इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड मेथड फॉर चेकिंग वेदर अ गिवन डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस और नॉट। ओके, और जितने भी अब के बाद जितने भी मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इवन चाहे एग्जाम्स के क्वेश्चन, हमेशा ये मेथड थ्री से ही सॉल्व करेंगे। जो मेथड वन है या मेथड टू है वो सिर्फ इसलिए कि कहीं उन्हीं उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन ना आ जाए, तो वो सिर्फ उसके लिए। बाकी लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन कभी भी चेक करना होगा, आप हमेशा मेथड थ्री ही फॉलो करेंगे। ओके, तो अब यहाँ मीन्स मुझे ये एक रिलेशन गिवन है और उस पर बेस्ड ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। ओके, अब डिकम्पोजिशन भी बता दिया गया है कि आर वन आर टू और आर थ्री में है। ओके, तो आर वन आर टू और आर थ्री, तो अब इस डिकम्पोजिशन में ये इस मीन्स जो ये एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम का नाम है अबूज एल्गोरिथम। ओके, ये एल्गोरिथम किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है? ये एक मैट्रिक्स है। ओके, ये एक मैट्रिक्स है, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स, तो जिसमें मैंने क्या कर रखा है, ये इस साइड पर डिकम्पोजिशन रखे हैं और इस साइड में ओरिजिनल स्कीमा में क्या क्या एट्रीब्यूट हैं ये वो रखे हैं। ओके, अब आपको इस टेबल को फिल करना है। ओके, और एक पर्टिकुलर तरीका है, पहले इसको देखते हैं और फिर डिसाइड होगा कि डिकम्पोजिशन लॉसलेस है कि नहीं है। तो आर वन में क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, ए बी, तो आर वन में मतलब पहली रो में ए और बी में एंट्री फिल करनी है। क्या एंट्री फिल करेंगे, यहां पर ए में फिल करूंगा ए जीरो। ओके, ये कॉलम के नंबर पर ए जीरो, और बी में कॉलम नंबर मैंने यहां ऊपर लिख दिया है 0 1 2 3, और ये रो नंबर लिख दिया है 0 1 2। ओके, तो यहां पे क्या लिख दूंगा, ए वन। ओके, चूंकि फर्स्ट कॉलम है ये जीरोथ कॉलम है। ओके, सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट थे तो सिर्फ दो जगह ए की एंट्री फिल की जाएगी। सॉरी, अब R2 में देखते हैं, R2 में क्या है, B, C। ओके, तो B, C ये B में है और C में है, तो यहां पर भी A की एंट्री भरी जाएगी। कॉलम नंबर क्या है, 1, और ये कॉलम नंबर क्या है, 2। A2 फिल कर दिया और इसको ये एट्रीब्यूट नहीं, जितने एट्रीब्यूट हैं वो इस तरह से फिल किए जाएंगे। R3 में दो एट्रीब्यूट हैं, C, D, तो यहां पर A2 क्यों, क्योंकि कॉलम नंबर 2 है, और ये A3 क्योंकि ये कॉलम नंबर 3 है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, A की सारी एंट्रीज फिल कर दी। ओके, अब देखते हैं कि मींस आगे, अब जो रिमेनिंग सेल्स बची हुई हैं जिन पर कोई एंट्री नहीं है, उनमें B की एंट्री फिल की जाएगी, कैसे वो दिखाता हूं। जैसे ये खाली है तो एम्प्टी सेल में B की एंट्री फिल करोगे, B, और कौन सी रो है, जीरोथ रो, और कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम। ओके, इस तरह से बी जीरो, कौन सा कॉलम है, 3। सिमिलरली बी कौन सा रो है, 1, कौन सी कॉलम है, 0। बी ये क्या है, 1 और कॉलम नंबर 3। ओके, यहां पर बी ये क्या है, 2 और ये 0, ये क्या है, बी 2 और कॉमा 1। ओके, तो इस तरह से मैंने पूरी टेबल फिल कर दी। ओके, अब जो स्टेप मैं इसमें परफॉर्म करने अब जा रहा हूं, वो स्टेप मींस बार बार तब तक परफॉर्म करेंगे कि इस मींस मैट्रिक्स में मैं किसी तरह के चेंजेस करना स्टार्ट करूंगा। ओके, और तब तक वो चेंजेस करूंगा जब तक कि इसमें चेंजेस हो रहे हैं, पॉसिबल हो रहे हैं तब तक। अगर किसी भी एक रो में सारे के सारी ए की एंट्री आ जाए, ए, ओके, तो ये कह दिया जाएगा कि डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस। और अगर मींस टेबल को आइटरेटिवली फिल करेंगे, अगर पूरी एक रो में सारी ए की एंट्री नहीं हो पाती है, तो बोलेंगे लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन। ओके, तो अभी मींस स्टेप देखना स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है,
आपको जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा हैं उनको पिक करना है वन बाई वन, ओके। और इस टेबल की किन्हीं भी दो रो को उसमें देखना है क्या टी वन एल्फा इक्वल टू टी टू एल्फा है। अगर टी वन एल्फा इक्वल टू टी टू एल्फा है तो आपको इस साइड में बीटा साइड में फोर्स करना है कि टी वन बीटा इक्वल टू टी टू बीटा हो जाए, ओके। वो मैं दिखाता हूं कि कैसे फोर्स करना है। तो जैसे ए टू बी पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी मैंने पिक की ए टू बी, ओके। अब ए टू बी में अगर आप यहां से देखो ए टू बी में मतलब अल्फा क्या है, ए है, ओके। तो ए में देखो कहीं पर दो वैल्यू सेम है क्या, दो वैल्यू कहीं पर भी सेम नहीं है, ओके। यहां पर देख सकते हैं आप कि दो वैल्यू ए में ए जीरो है, बी वन जीरो है, बी टू जीरो, वैल्यू कहीं ए की सेम नहीं है। इसका मतलब है अगर अल्फा में सेम होती दो रो में ए की वैल्यू तो मैं बीटा में उसकी वैल्यू को फोर्स करता कि सेम हो जाए, मैचिंग हो जाए, ओके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर अब हम उस पर मीन्स कुछ कर नहीं सकते। दूसरा मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी उठाऊंगा बी टू सी, ओके। अब बी टू सी पिक किया तो देखो यहां पर ए वन ए वन दो रो जो पहले जीरोथ रो है और फर्स्ट रो है, ए वन ए वन बी टू सी में ए वन ए वन मीन्स टी वन एल्फा इक्वल टू टी टू एल्फा है तो सी में जाऊंगा और क्या करूंगा, फोर्स करूंगा दो वैल्यू सेम करूंगा। यहां पर देखो आप क्या है बी जीरो टू, यहां क्या है ए टू सी कॉलम में इसी रो में, तो बी जीरो टू और ये ए टू। तो मुझे मैंने क्या कहा था कॉन्सेप्ट कि अगर एक भी रो में सारे के सारे ए की एंट्री आ गई मतलब डिकम्पोजिशन लॉसलेस है, एंड देयरफॉर जहां भी अगर इस तरह से होगा कि ए वन ए वन मैच कर गया तो ये मैच नहीं है, बी जीरो टू है यहां ए टू है तो ये वाली एंट्री यहां लिख दूंगा, ओके ए टू यहां लिख दूंगा, ओके। यही कॉन्सेप्ट होता है कि a1 a1 अगर मैच कर गए तो इसको फोर्स कराऊंगा कि ये भी इक्वल हो जाए। अब इक्वल हो जाए तो इस जगह कुछ लिखना पड़ेगा, तो a की एंट्री को हमेशा प्रेफरेंस देना। अगर दोनों जगह b होता, एक जगह b जीरो वन होता, एक जगह b जीरो टू होता, तो फिर आप चाहे b जीरो वन दोनों जगह लिख दो, फिर चाहे b जीरो टू लिख दो, लेकिन अगर एक भी उसमें a की एंट्री है तो फिर a ही रिपीट किया जाएगा, मीन्स a को ही रिप्लेस किया जाएगा। आगे देखते हैं, मीन्स ये एंट्री बी टू सी मैंने फिल कर दी। नाउ कंसीडर सी टू डी। सी टू डी में आप देखो ए टू ए टू और ये ए टू ए टू, ओके। तो दो जगह पर मीन्स मैचिंग हो रही है, तो पहले दो रो कंसीडर करते हैं जीरो और वन, ए टू ए टू। अब यहां से आप देखो, या पहले इसको कंसीडर करते हैं वन टू को, रीजन ए टू ए टू को मैंने कंसीडर किया तो मैचिंग हो गई, तो सी टू डी, डी वाली कॉलम में यहां ए थ्री है, यहां बी वन थ्री है, मैचिंग इनफोर्स। अगर इधर ए टू ए टू दो इक्वल हो गए तो फिर इधर इनफोर्स किया जाएगा, तो यहां बी वन थ्री यहां ए थ्री है, मैंने कहा ए थ्री को मैं बनाने की कोशिश करूंगा, तो इस जगह मैंने क्या फिल कर दिया ए थ्री, ओके। यहां पर ए थ्री इस तरीके से फिल कर दिया है। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स जो भी ये सी टू डी की वजह से होना था वो अपडेट हो गया, ये मैट्रिक्स अपडेट हो गई। तो ये कौन सा आइटरेशन था, ये फर्स्ट आइटरेशन था, ओके। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड आइटरेशन के लिए फिर से जाएंगे, फिर से एक तरफ से सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज पिक करेंगे, ओके, और देखेंगे कि क्या चेंजेज हो सकते हैं। फिर से ए टू बी, ए टू बी में मैंने देखा ए में कोई कॉलम सेम ही नहीं थी, ओके। ए में कोई एक एक कॉलम में कोई दो रो की वैल्यू ए के रिस्पेक्टिव सेम ही नहीं थी, तो मैंने कहा ए टू बी को यूज नहीं कर सकते। बी टू सी, बी टू सी में अगर देखें तो ए वन ए वन, ओके, ए वन ए वन और उसके रिस्पेक्टिव ए टू ऑलरेडी है, तो मीन्स सेम तो है लेकिन अपडेट नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी अपडेटेड है, ओके। नाउ कंसीडर सी टू डी, ओके। सी टू डी के लिए जब देखूंगा तो यहां से आप देखो ए टू ए टू सेम है, ये ए टू और ये ए टू सेम है, और यहां पर ए थ्री है, यहां बी जीरो थ्री है, ओके। तो अब आप क्या करोगे,
कि इधर इक्वल है तो इधर इन्फोर्स करोगे, ओके। और इन्फोर्स करने में मैंने क्या बोला था, इन्फोर्स करने में हमेशा आप ए बनाने की कोशिश करते हो। तो सेकेंड आइट्रेशन खत्म हो गया, और सेकेंड आइट्रेशन के खत्म होने पर एक बात और दिखाई पड़ी, क्या ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री, ओके। ये क्या है, ऑल एज इंट्रीज, इन रो जीरो, सो डिकम्पोजिशन इज लॉस लेस, ओके। यहां पर सेकेंड आइटरेशन, वैसे तो एल्गोरिथम ये कहती है कि थर्ड आइटरेशन भी चलेगा अगर कोई अपडेट नहीं हो रहा, एंड देन ये चेक करेगा कि कोई रो में सिर्फ सारी एक एंट्री आ गई क्या, ओके। लेकिन अभी हम मैन्युअली चेक कर रहे हैं तो हमको एक एंट्री सारी दिखाई पड़ गई, एंड देयरफॉर द डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस, ओके। और इस मेथड में आप देख सकते हैं कि इन डिकम्पोजिशन के रिस्पेक्टिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं गिवन थी, लेकिन फिर भी हमने ये मींस चेक कर लिया कि डिकम्पोजिशन लॉसलेस है या लॉसी है, ओके। अच्छा, एक पॉइंट की बात या कॉन्सेप्ट की बात है, ये क्या चेक कर रहा है, जब एक रो में ये कह रहा है कि एक रो में सारी ए की एंट्रीज आ जाएं, तो एक्चुअल में चेक क्या कर रहा है, एक रो में सारी ए की एंट्रीज आ जाएं, इसका मतलब है कि उस रो को या कह लो उसके रिस्पेक्टिव जो डिकम्पोजिशन है उसकी ए बी सी डी सारी जगह पे आ गया, मतलब कि कैंडिडेट की बन रही है, इनको सबको डिटरमाइन किया है, ए को भी बी को भी सी को भी डी को भी। इसका मतलब जब वो आप मेथड टू में आप बोलते थे कि आर वन इंटरसेक्शन आर टू डिटरमाइंस आर वन, तो वो जो डिटरमाइन आर वन था ये वही कॉन्सेप्ट है इसमें, ओके, कि आर वन डिटरमाइन हो रहा है, एंड दैट्स डन।